परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आई कैन गिव यू प्रूफ। आप इस संसार को देखें, इस प्रकृति को देखें, इस प्रकृति में क्या क्या चीजें हैं। यहां पर हवा है, ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश है, पानी है, भोजन वस्तु है, तमाम प्रकार के फूल फल पेड़ पौधे हैं, अनाज है, तमाम प्रकार के वातावरण है, मौसम है, क्योंकि अगर मौसम नहीं बदले तो अनाज उत्पन्न नहीं होगा। और ये सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड किसके लिए है? किसके लिए है? आपके और मेरे लिए। ये सारी प्रकृति जो परमेश्वर ने बनाई है, ये आपके और मेरे लिए बनाई है। आप कल्पना कीजिए कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर सब कुछ हो लेकिन मनुष्य ना हो, पेड़ हो, पौधे हो, फल फूल हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य ना हो, तो इस सारी प्रकृति का, संसार का लक्ष्य क्या होगा? क्या लक्ष्य होगा? आम का पेड़ होगा, उसमें आम के पेड़ लगेंगे, फल लगेंगे, और वो लगे लगे सूख कर खत्म हो जाएंगे। कोई उसको ग्रहण नहीं करेगा, कोई उसे खा नहीं सकेगा। ये ऊंचे पहाड़ पर्वत, इनका क्या लक्ष्य होगा? इन नदियों का, इस पानी का, इस आकाश, इस भूमि मंडल का क्या लक्ष्य होगा? ये इस बात का सबूत है कि प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और वो आप है। और इसका उदाहरण हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन बनाया। God made us on the sixth day, not the very first day. पहले दिन नहीं बनाया। पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो। उसके बाद परमेश्वर ने सूखी भूमि के ऊपर पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, और आप जानते हैं किस तरीके से ये संसार जो है, पृथ्वी जो अस्तित्व में आ गई। और सब कुछ देखने के बाद जब परमेश्वर ने कहा अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, उसने कहा अब हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। सब कुछ बनाने के बाद, इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। ऐसा नहीं कि उसने मनुष्य को बना दिया और फिर वो सोच रहा है कि इस मनुष्य की क्या आवश्यकता हो सकती है, इसको ये खाना भी चाहिए, इसको पानी भी चाहिए, अरे ये तो रह गया, चलो ये भी बनाना है, अरे ये तो मैं भूल गया, ये भी बनाना है। इट्स नॉट गॉड ऑफ कंफ्यूजन। उसने पहले संसार को बनाया, याद रखिएगा, संसार को बनाना उसका लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य था आप और मैं। उसने संसार को इतना सुंदर, अद्भुत इसलिए बनाया क्योंकि अंततः इस संसार की सुंदरता का, इसकी भव्यता का आनंद लेने के लिए वो मनुष्य को बनाने जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रखकर संसार बनाया गया है। ये परमेश्वर की महानता और उसके प्रेम का प्रकटीकरण है कि आपकी उत्पत्ति से पहले जो कुछ आपको चाहिए वो बना दिया गया। हम शरीर की रचना के बारे में बात करें, मनुष्य के शरीर की रचना के बारे में बात करें। आप जानते हैं एक मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। अगर यहाँ कोई मेडिकल लोग हैं तो जानते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर का जो रक्त है वो शरीर के अंदर है। और उसके अलावा 78 ऑर्गन्स आपके शरीर के अंदर है। 78 ऑर्गन्स जो लगातार काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आपके अंदर 78 ऑर्गन्स हैं। अब देखिए, आपके ये जो आईब्रोज हैं, ये जो आईब्रोज हैं और ये आई लैशेस हैं, हमारी महिलाएं, कुछ बहनें हंस रही हैं इस पर, कुछ कभी कभी आप लोग कुछ कुछ कराते भी रहते हैं। आप जानते हैं ये क्यों है? ये ऐसे नहीं है। गॉड इज ए वाइज गॉड, परमेश्वर बुद्धिमान है। ये इसलिए है क्योंकि आप बारिश में चल सके। अगर आपकी आई लैशेस और आईब्रो नहीं हो तो आप बारिश में चल नहीं सकेंगे। और आदम और हवा तो घर में नहीं रहते थे ना, वो तो जंगलों में रहते थे, और बारिश की संभावना होगी तो कैसे आगे जाएंगे? व्हाट अ माइटी गॉड। आप अपने दांतों की रचनाओं को देखें, आपके जो सबसे पीछे के जो दांत हैं उसे क्या कहते हैं, कोई बताएगा? उसे हम इंग्लिश में मूलर्स कहते हैं। मुझे आपकी भाषा में नहीं मालूम, लेकिन उसे हम इंग्लिश में मूलर्स कहते हैं। उसके जो पास में जो दांत हैं, दो से थोड़े छोटे हैं, उनको प्री मूलर्स कहते हैं।
और आगे की जो दांत है, चार दांत है, उन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स, और जो तीखे दांत है वो है कैनाइंस। ये इसलिए है ताकि आप कुछ ठीक से खा सके। आप सोचिए, अगर आपके दांत नहीं होते तो आप भुट्टा या गन्ना या एप्पल कैसे खाते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। What a mighty God! वो आपकी आवश्यकताओं को, आपकी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। आपको किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, He knows। आप जानते हैं, आप सबके पास मोबाइल है ना? हम सबके पास मोबाइल है। मोबाइल से हम लोग फोटो खींचते हैं। आजकल लोग महंगे मोबाइल खरीदते हैं ताकि साफ अच्छी पिक्चर फोटो हम खींच सके। तो सबसे अच्छा मोबाइल जो 20 मेगापिक्सल है या 50 मेगापिक्सल है, एप्पल का जो मोबाइल है, कितनी सुंदर फोटो आती है। लेकिन आप जानते हैं, आपकी ये जो आंखें हैं, इसके अंदर 576 मेगापिक्सल है, 576 मेगापिक्सल, ताकि आप दुनिया की सबसे सुंदर तस्वीर देख सके, आप सारे रंगों का आनंद ले सके। एक घोड़े के जैसा नहीं जिसे सिर्फ नीला रंग दिखाई देता हो, या एक किसी पशु के समान नहीं जिसे काला या धुंधला या सफेद या ग्रे दिखाई देता हो, आप 70 लाख रंगों को देख सकते हैं। आप 70 लाख रंगों को एक साथ देख सकते हैं। जब मैं यहां देख रहा हूं, मुझे पीला रंग भी दिखता है, मुझे पिंक, ग्रीन, सब कुछ दिखता है। 70 लाख रंगों के अंदर मैं भेद कर सकता हूं। I can make difference among 70 lakhs colors। अगर मैं उस परमेश्वर की महानता का वर्णन करूं, पूरी रात यहीं खड़ी हो मुझे रहना पड़ेगा। वो परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है, आपके शरीर की बनावट को जानता है, आपके आपके भौतिक आवश्यकताओं को जानता है, वो आपकी मानसिक आवश्यकताओं को जानता है, आपकी शारीरिक, भौतिक, सब प्रकार की आवश्यकताओं को जानता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीवन के हर मार्ग में आपको उस परमेश्वर की आवश्यकता है। उस पर विश्वास कीजिए जिसके गीत गाए जा रहे हैं, जिसकी गवाही दी जा रही है। वो एक जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जिंदा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी आराधना और आपकी स्तुति उसके सिंहासन तक पहुंचती है। उसकी दृष्टि आपके ऊपर है, वो आपके जीवन के हर दिनों के बारे में जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है। जब आप दुखी हैं, निराश हैं, वो जानता है। जब आप पीड़ा में हैं, जब आपका किसी ने अपमान किया है, जब किसी ने आपका दिल दुखाया है, वो जानता है। वो आपकी सब आवश्यकताओं को जानता है। और केवल इतना ही नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, उसने आपको युगानुयुग के लिए बनाया है, युगानुयुग के लिए। क्या विश्वास करते हैं कि आप उस परमेश्वर की दृष्टि में युगानुयुग जीवित रहेंगे? आप माइकल जैक्सन के बारे में जानते हैं? इस संसार के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों में से माइकल जैक्सन, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड, अवार्ड समझते हैं, पुरस्कार, सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर इस संसार में किसी को मिले हैं तो वो माइकल जैक्सन को मिले। गूगल में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला व्यक्ति माइकल जैक्सन था। उसका प्रोग्राम जिस दिन तारीख घोषणा की जाती थी उससे पहले ही उसकी सारी टिकटें बिक जाती थी। वो सबसे ज्यादा प्रचलित व्यक्ति था और उसकी इच्छा थी कि वो 200 साल तक जिए। इसलिए उसने अपने लिए 12 डॉक्टर्स को नियुक्त किया, 12 डॉक्टर्स, कि मुझे अच्छा खाना मिले, मुझे अच्छा पानी मिले और सर से लेकर पांव तक मेरी दिन भर देखभाल हो ताकि मैं बीमार ना पड़ूं। उसने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवित रहने के लिए लगा दिया। लेकिन अद्भुत, उसका पैसा उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सका और एक दिन वो इस संसार से चला गया। उसके पास वो आशा नहीं थी जो आपके पास है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत पास था। एक ऐसा देश जहां हजारों लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, अमेरिका देश में रहा, बहुत पास था, लेकिन उस सत्य को नहीं जान पाया। मेरे प्रियो, मुझे आज बहुत खुशी है कि आप इस आंगन में बैठे हैं, खुले छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन आप उस यीशु मसीह को जानते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है।
आप उस जीवन में प्रवेश करेंगे जो मनुष्य धनवान होकर नहीं कर पाया। बाइबल कहती है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। इसलिए हम सब जो यहां बैठे हैं, वी आर सो प्रिविलेज्ड दैट वी नो गॉड, हम उस परमेश्वर को जानते हैं और वो परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकताओं को जानता है और उसने हमारे लिए एक अनंत काल का भविष्य बनाया है। आज की शाम मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल निकालें और देखें यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद को, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद को देखें, और अगर आप पढ़ना चाहें आपका स्वागत है। और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एक बार मुझे अपने जीवन की घटना याद है, मैं कलकत्ता शहर में अपने माता पिता के साथ बाजार में था। उस समय मेरी आयु लगभग 7 या 8 साल थी, जैसे यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। और उस बड़ा बाजार, कलकत्ता के उस बड़े बाजार में बहुत भीड़ थी, हजारों लोग शाम के समय में सामान खरीदने के लिए आए थे। और तभी मुझे अनुभव हुआ कि मेरा हाथ मेरे पिताजी से छूट गया और मैं चारों तरफ अपने पिताजी को ढूंढने लगा। लगभग 10 से 15 मिनट हुए लेकिन मेरे पिताजी मुझे नहीं मिले। मैं एक कोने में खड़ा होकर रोने लगा। आते जाते लोगों को देख रहा था, लोग सब्जियां लेकर जा रहे थे, लोग फल खरीद कर जा रहे थे, किसी ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा था, कोई अपनी पत्नी के संग जा रहा था, कोई बुजुर्ग था। और उस हजारों की भीड़ में मैं एक कोने में खड़ा और उन अपरिचित लोगों की शक्लें देख रहा था कि कहीं मुझे मेरे पिताजी या मेरी माँ दिख जाए। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने देख रहा था कि मेरे पिताजी मुझे जोर जोर से आवाज दे रहे थे और मुझे ढूंढ रहे थे। ये जो खोज है ये दोनों तरफ से थी, सिर्फ मैं अपने पिता को नहीं ढूंढ रहा था लेकिन मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे थे। अब जानते हैं मानो 10 मिनट में मुझे लगा कि मैं मृत्यु के बिल्कुल निकट ही खड़ा हूं। मेरा क्या होगा, मुझे अब कौन भोजन देगा, कौन सुरक्षा देगा, कौन मुझसे प्यार करेगा, कौन है अब मेरा। लगभग 10 मिनट तक मैं अपने आप को एक अनाथ के समान अनुभव करने लगा। आई एम ऑर्फन, मैं क्या कर सकता था। लेकिन तभी मैंने अपने पिताजी को देखा जो जोर जोर से मेरा नाम लेकर मुझे ढूंढ रहे थे। आप यकीन कीजिएगा मैं दौड़ कर गया, मेरे पिताजी ने मुझे गले लगा लिया। मुझे इतनी शांति मिली, इतना आराम मिला कि मानो कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो, मुझे सब कुछ मिल गया। बाइबल कहती है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। Blessed is the person who is in him and he is in him. Amen. क्या ही धन्य वो परमेश्वर जिसने यहोवा परमेश्वर का हाथ थामा हो, या हम कहें कि स्वयं परमेश्वर ने उसका हाथ थामा हो। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा आदम के लिए, उत्पत्ति उसके 2:18 पद में, कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। और यहीं से सब बुराइयों की जड़ शुरू होती है, सारे पाप अकेलेपन से शुरू होते हैं, सारी बीमारियां अकेलेपन से शुरू होती है। अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम का, आपका, मेरा, हम सब का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए बनाया ही नहीं है। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, परमेश्वर ने हमें समाज दिया है, परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़े समाज के अंदर एक पहचान दी है। बाइबल कहती है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलापन हमारे जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, अकेलापन हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। आप जानते हैं एक पाप का आरंभ कहां से होता है, जब आप अकेले होते हैं। बाइबल कहती है कि बिस्तर पर लेटे लेटे अनर्थ की बातें सोचता है, अनर्थ की कल्पना करता है। जब आप अकेले होते हैं,
शैतान धीरे से आपके जीवन में आता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, और तब धीरे धीरे कान में वो शैतान आपके मन में बातें करता है आपको अकेला पाकर। इस वक्त आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप संगति में बैठे हैं, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास आपके साथ है, परमेश्वर की प्रजा आपके साथ है, हजारों लाखों लोग आपको देख रहे और सुन रहे हैं, आप संगति का हिस्सा है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं शैतान आपको खींच लेता है। बाइबल कहती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आप जानते हैं जब एक शेर शिकार करने के लिए निकलता है तो वो किसका शिकार करता है? वो झुंड पर कभी झपट्टा नहीं करता, वो ध्यान से बैठ जाता है और तमाम झुंड में चलने वाले जीव जंतुओं को ध्यान से देखता है। वो पेड़ के पीछे छुपा है, घास में छिपा है और देख रहा है कि उसके सामने लगभग 500 लोग जा रहे हैं, और फिर उन 500 प्राणियों के जो जीव जंतु उसके सामने जा रहे हैं, जो दल जा रहा है, उसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अकेला अकेला सबसे पीछे या अलग अलग चल रहा है? बस वो उसको तड़ लेता है। ये वही व्यक्ति है जो झुंड में नहीं रहना चाहता, वो दौड़ता है और दौड़कर उस व्यक्ति को झुंड से और अलग कर देता है और उसके प्राण ले लेता है। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया परमेश्वर की सबसे सुंदर योजना है। आमीन। सबसे सुंदर योजना। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो किसी वजह से, किसी कारण से कलीसिया का हिस्सा नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं अपने घर में बैठकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर संगति कर लूंगा, मैं कलीसिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि कलीसिया में बहुत सी समस्याएं हैं। मुझे वो पास्टर पसंद नहीं, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं, मुझे वो गाने वाले पसंद नहीं, मुझे वो बजाने वाले पसंद नहीं, मुझे बहुत से लोग पसंद हैं। और आप जानते हैं ये सब आप कब सोचते हैं? जब आप अकेले बिस्तर पर होते हैं। सब पाप की उत्पत्ति तब होती है जब आप अपने बिस्तर पर अकेले सोने जाते हैं, आप अकेले ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप अकेले कमरे के अंदर बंद हैं, आप होटल के अंदर बंद हैं, आप होटल के अकेले कमरे के अंदर बंद हैं, आपके दिमाग में शैतान की तमाम योजनाएं चलने लगेंगी। अकेलापन मृत्यु को लेकर आएगा, अकेलापन आपके जीवन में संघर्ष पैदा करेगा। अकेलापन, जब आप अकेले होंगे आप कमजोर हो जाएंगे। आप जानते हैं एक बीज, एक सीड बीज, किसी भी फल का बीज, अगर वो अकेला है, अगर वो अकेला है तो वो बीज है, लेकिन अगर उसे मिट्टी और पानी का साथ मिल जाए तो वो एक दरख्त, एक पेड़ बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है, एक विराट पेड़ बन जाता है। अकेलापन आपको संकुचित कर देगा, आपको कमजोर कर देगा, लेकिन जब आप संगति में, परमेश्वर की संगति में आते हैं, आप जय प्राप्त करते हैं, आप सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से रखना चाहता हूं। आप निकालिए पहला योना 4:19, और कोई व्यक्ति निकाले पहला पत्रस और उसका 5:7 पद, 1 John 4:19। पढ़े से बाइबल कहती है कि पहले किसने हमसे प्रेम किया? पहले हमसे किसने प्रेम किया? परमेश्वर। कैसे हम उसके प्रेम को सीखें? उसने हमें बनाया और बनाने के बाद उसने हमें अदन की वाटिका में रखा और रखकर भूल नहीं गया, रखकर छोड़ नहीं दिया। अदन की वाटिका में बनाकर परमेश्वर किसी और ग्रह पर नहीं चला गया कि बस मुझे इस प्रकृति को बनाना था, मुझे मनुष्य को बनाना था और मैंने मनुष्य को बना दिया, अब मैं किसी दूसरे ग्रह पर चला जाता हूं। क्योंकि ये विश्व, ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, ये पृथ्वी तो मटर के दाने के समान है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी केवल 13,000 किलोमीटर है। अगर आप सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है, 13,00,000 गुना बड़ा, और सूर्य से
बड़े बड़े ग्रह और उपग्रह हैं। विज्ञान ने अब तक केवल 4% केवल 4% ब्रह्मांड को जाना है। 96% जो ब्रह्मांड है, परमेश्वर की जो सर्वोत्तम रचना है, पूरा विश्व ब्रह्मांड जिसे हम कह सकते हैं, आकाश मंडल जिसे हम कह सकते हैं, 96% आकाश मंडल आज तक विज्ञान नहीं जान सका और कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। फिर भी जितने ग्रह उपग्रह ये वो जो तारे आपको दिख रहे हैं, परमेश्वर कहता मुझे तो कहीं और जाना है, कुछ और नया करना है, लेकिन नहीं। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3:8 वो लिखा है, और यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया। What a glorious scripture! कितना महान परमेश्वर का वचन है। स्वयं परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ संगति करने आता है। उसने उन्हें छोड़ा नहीं, बनाकर छोड़ा नहीं, ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने मनुष्य को त्यागा नहीं। बाइबल कहती है कि मनुष्य ने पाप किया, हम सब जानते हैं मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर दुखी था, बहुत निराश था। और आप अगर 24 पद पढ़ेंगे, 3:24 और उसके 24 पद को पढ़ें, क्या लिखा है यहाँ पर? नेते मानस ने हाकी काढ़ी ने जीवना वृक्ष ने वाट ने साचवा सरो तेने करबो तथा चौ तरफ जी लिखा है। और इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया। ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर जो मनुष्य की आवश्यकता को जानता है, वो परमेश्वर जो मनुष्य की विशेषता को, उसकी रचना को जानता है, सब कुछ जानता है कि इस मनुष्य को क्या चाहिए। बाइबल कहती है उसी परमेश्वर ने अदन की वाटिका से, अपनी उपस्थिति से मनुष्य को निकाल दिया। अदन की वाटिका का मतलब केवल कोई एक बगीचा नहीं है, कोई एक स्थान, कोई एक घर, कोई एक पेड़ के नीचे नहीं। अदन की वाटिका का मतलब है स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति से हटना पड़ा, निकलना पड़ा। लेकिन ध्यान रखिए, यह हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहता, और यह कहता है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया। क्या ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं? एक तरफ परमेश्वर उनके साथ संगति कर रहा है, अदन की वाटिका में आकर उनके साथ बातचीत कर रहा है, और दूसरी तरफ लिखा है कि अदन की वाटिका से उसको निकाल दिया। या क्या दोनों ही वचन एक दूसरे के विरोध में नहीं? लेकिन मैं आपसे इस पर विशेष बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं परमेश्वर का पहला जो फर्स्ट कैरेक्टर है, जो पहला नाम है, वो प्रेम नहीं है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ गॉड इज नॉट लव। The first name of God is not love. The first name and the first character of God is His holiness. Yes, amen. पवित्रता, पवित्रता परमेश्वर का क्राउन है। क्राउन आप जानते हैं, इट इज गॉड्स क्राउन। अगर कोई महिला या कोई व्यक्ति, कोई पुरुष जो है अच्छे कपड़े पहना है, कोई राजा है बड़े अच्छी महंगी पोशाक पहना है, लेकिन अगर उसके सर पर क्राउन नहीं है तो वो राजा नहीं कहलाएगा। उसके सर के ऊपर रखा हुआ क्राउन जो किसी के पास नहीं है, उसे राजा बनाता है। पवित्रता परमेश्वर का पहला नाम है, और इसलिए यशाया की पुस्तक में लिखा है कि जब स्वर्गदूत यशाया ने स्वप्न देखा तो उसने क्या देखा कि वहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर का नाम और उसका स्वभाव कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वहां ये नहीं लिखा कि प्रेम प्रेम प्रेम, दया दया दया, क्षमा क्षमा क्षमा, अनुग्रह अनुग्रह, नहीं, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। बाइबल कहती है आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात पवित्रता से दूर जाना पड़ा, क्योंकि वो पाप में गिर गए थे। रुकिए, अब यहां पर सोचिए, क्या ये आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर जी पाएंगे? बाइबल कहती है तुम मुझसे अलग होकर जीवित नहीं रह सकते, तुम मुझसे अलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। उदाहरण लिखा है कि अगर कोई डाली पेड़ से कट जाए तो वो जीवित रहेगी, उसमें फल लगेगा? कभी नहीं। इसे कर कर देखिए, अगर कोई डाली आप काट दें, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे सूख जाएगी और उस पर कभी कोई फल नहीं लगेगा। परमेश्वर हमारी और आपकी आवश्यकताओं को जानता है, यद्यपि हमें अदन की वाटिका से निकलना पड़ा,
लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हालेलुया, कहानी खत्म नहीं हुई। अगर कहानी खत्म हो जाती तो ये पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल तीन पन्ने होते, केवल तीन पन्ने होते। इसका पहला पन्ना जहां परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, दूसरा पन्ना जहां पर मनुष्य ने पाप किया, और तीसरा पन्ना कि यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका से परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाल दिया और कहानी खत्म। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य मेरे बगैर जीवित नहीं रहेगा। अब आदम और हव्वा वाटिका में नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आदम की वाटिका से निकलकर उनके पीछे। हालेलुया, ये इतनी मोटी बाइबल इस बात का प्रमाण है। इसमें हजारों लाखों दृष्टांत, इसमें जो बातें लिखी है वो इस बात का दृष्टांत, इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आदम की वाटिका से निकलकर आदम और हव्वा के पीछे पीछे गया। और देखिए आज भी वो परमेश्वर कहता है कि जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊं। आमेन। जहां कहीं जाओ आप उसे छोड़ दें, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप उसकी उपस्थिति से भाग भी जाएं, निकल कर भाग जाएं, तो भी वो आपको छोड़कर नहीं भागेगा। वो आपके पीछे आएगा बिल्कुल एक माँ के समान, बिल्कुल एक पिता के समान। जब किसी का बच्चा खो जाता है तो माता पिता चैन नहीं पाते। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूँ और मुझे विश्वास है ये घटना आपको अच्छी लगेगी। एक बार मैं अपनी बड़ी बेटी आर्निका के साथ कार में रात के समय हम यात्रा कर रहे थे। वो आगे बैठी थी और मैं गाड़ी चला रहा था, और तब मेरे दिमाग में एक बात सूझी, एक विचार आया। मैंने एक सुनसान अंधेरी जगह पर गाड़ी को खड़ा कर दिया और मैंने अपनी बेटी से कहा कि आर्निका क्या आप गाड़ी से बाहर निकल सकती हो? तो उसने पहले मुझे देखा और कहा पापा क्यों? मैंने कहा निकलो मुझे थोड़ा सा काम, कहती पापा बाहर अंधेरा है। उस समय उसकी उसकी आयु केवल 10 साल की थी और वो गाड़ी से बाहर निकल गई। और फिर मैंने लॉक लगाया और थोड़ी सी विंडो खोलकर बोला बाय बाय। वो डर गई, उसने गाड़ी को पकड़ लिया। आप जानते हैं मैंने कहा ठीक है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं 10 साल तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा कर लिया, तुम्हें हर अच्छी चीज दी, खाना दिया, कपड़ा दिया, अब बस ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ जंगल में छोड़कर, अंधेरे में छोड़कर जाना चाहता हूँ। अब जानते उसने उसने गाड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसने कहा कि पापा मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे डर लग रहा है। मैं तो मजाक कर रहा था। आप जानते हैं मैं दरवाजा खोलकर वापस गया, मैंने उसे गले से लगाया, मैंने कहा बेटा मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकता। आप समझ रहे हैं ये जो पिता का जो हृदय है, ये जो प्रेम है, ये मैंने कहां से पाया? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी किताब से नहीं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके नहीं, कोई कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग से नहीं, कोई PhD, कोई थियोलॉजी से नहीं। ये स्वभाव एक पिता का स्वभाव, एक माँ का स्वभाव। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसे कोई अनुभव नहीं, उसके पास कोई डिग्री नहीं उस बच्चे को पालने के लिए, उसे नहीं मालूम कि मुझे इस बच्चे को कैसे पालना है, उसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं है, माँ बनने के लिए कोई डिप्लोमा नहीं है। उस बच्चे का कैसे ध्यान रखें, उसे उठ उठ कर दूध पिलाना, उसकी सेवा करना, उसे दिन रात जग कर उसे पालना, उसे बड़ा करना, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये स्वभाव, ये मन, ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। ये स्वभाव परमेश्वर उस माँ के हृदय में डाल देता है, ये स्वभाव परमेश्वर एक पिता के हृदय में डाल देता है कि वो अपने बच्चों को प्यार करे, उनकी चिंता करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम एक बुरे मनुष्य होकर, एक पापी व्यक्ति होकर अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुम्हें कभी अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा माँ की कोख में होता है, यहाँ पर सब बड़े लोग बैठे हैं जानते हैं, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसे मुझे नहीं मालूम आपकी भाषा में हम उसे क्या कहेंगे, जो बच्चे को माँ से जोड़ती है। जो बच्चा पैदा होता है तो माँ की साथ उस बच्चे का जो संबंध है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड, जो मेडिकल साइंस में हम उसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। ये कॉर्ड जो है, ये जो इसको नाड़ी भी शायद कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा माँ की कोख में है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड
ब्लड जो साफ ब्लड है वो बच्चे तक पहुंचता है और ऑक्सीजन उस बच्चे तक पहुंचती है, न्यूट्रिशन उस बच्चे तक पहुंचता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वो कॉर्ड डेवलप ना हो या उस स्थान पर ना हो, वो बच्चा जीवित नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु ने भी कहा तुम मुझसे अलग होकर जीवित नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमारी रचना ही कुछ इस तरह से की है कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम निश्चित मर जाएंगे, निश्चित मर जाएंगे। प्रभु ने कहा था, आप देखिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसके 17 पद के आखिरी लाइनों को पढ़िए, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ये फल क्या है? उस सेब के फल में या जो भी वो फल होगा, ऐसा बाइबल में मेंशन नहीं कि वो फल क्या था, लेकिन उसके अंदर कोई जहर नहीं था, उसके अंदर कोई पॉइजन नहीं था, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं था कि उसे खाता ही आदम मर जाता। लेकिन बाइबल तो कहती है उस फल को खाने के बाद में भी आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन फिर भी मृत्यु आई। बाइबल कहती है कि जिस दिन तू उस फल को खाएगा, और वो फल क्या था? अनाज्ञाकारिता का। जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं हम मृत्यु के पास चले जाते हैं, अंधकार के पास चले जाते हैं। और आप देखिए ठीक उसके सामने अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो ठीक उसके बगल में उसके पास में देखिए यूहन्ना उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय और उसके चौथे वचन को पढ़िए। उत्पत्ति तीसरा अध्याय और चौथे वचन को पढ़िए। देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, आप आइए ब्रदर मेरी बाइबल को जरा ऐसे लोगों को दिखाइए उठाकर दोनों पेज। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर कह रहा है अवश्य मर जाएगा, और उसके पास में मैंने हाईलाइट किया है शैतान कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। देख रहे हैं आप, अवश्य मर जाएगा और शैतान कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। इधर भी दिखाएं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। दोनों ही वचन कितने मिलते जुलते हैं, कितने आसपास हैं। एक में लिखा है परमेश्वर कहता है कि तुम मर जाओगे और शैतान कहता है तुम निश्चय ना मरोगे। थैंक यू ब्रदर, ये सत्य है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर जाएगा, भागेगा, वो निश्चित मरेगा। आप सब उड़ाऊ पुत्र की कहानी जानते हैं क्या हुआ था? वो अपने पिता की संगति से दूर भाग रहा था, उसने अपने पिता के पैसे ले लिए, हो सकता है जेवर ले लिए, अच्छे कपड़े ले लिए, जो कुछ पिता का था वो सब कुछ ले लिया, और लेने के बाद पिता की संगति से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मरने लगा, उसका जीवन संकट में पड़ गया, और उसने अपने पिता के पास वापस जाने के लिए चुनाव किया कि मैं उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरे प्रियो, क्योंकि जीवन पिता की उपस्थिति में है, जीवन पिता की संगति में है। अगर आप जीवन चाहना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, आप पिता की संगति में रहिए, अपने पिता की संगति में रहिए, कलीसिया का हिस्सा रहिए, कलीसिया में जुड़े रहिए, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, उपवास प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को इनकरेज करते रहिए, एक दूसरे को उठाते रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति अगर कलीसिया से दूर जाएगा तो वो निश्चित मर जाएगा, परमेश्वर के वचन से दूर जाएगा वो निश्चित मर जाएगा, जो प्रभु ने कहा। अब आप मुझे बताइए कौन सच बोल रहा था, परमेश्वर या शैतान? एक तरफ लिखा है कि तुम निश्चय मर जाओगे और शैतान आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है, कहता है तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। लेकिन बाइबल कहती है शैतान आरंभ से ही झूठा है, आरंभ से, ये आरंभ है, दिस इज द बिगनिंग। वो हव्वा के पास में आया, बोला तुम निश्चय नहीं मरोगे, अगर तुम परमेश्वर की संगति से दूर चले जाओ, इस फल को खा लो, अनाज्ञाकारिता करो, तुम निश्चय ना मरोगे। मेरे प्रियो, अकेला रहना अच्छा नहीं। आप जानते हैं उस समय
वहां पर जो हवा थी वो अकेली थी। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर चिंतन कीजिएगा। हवा अकेली थी और शैतान उसके पास में आया और उसने उसे बहकाया और कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। उसने फल खाया और फल खाने के बाद वो अपने पति की पत्नी के पास में गई और वो फल जो उसने खाया, आप जानते हैं अगर उस समय उस स्थान पर अगर आदम होता तो वो क्या कहता, वो क्या कहता, वो कहता मुझे परमेश्वर ने कहा है। इसको समझिए, क्योंकि आज्ञा परमेश्वर ने पुरुष को दी थी। जब परमेश्वर ने पुरुष को आज्ञा दी थी उस समय महिला नहीं थी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब स्त्री बनाई गई तब शैतान उसके पास में आया और कहा क्या परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है। ये बात परमेश्वर ने आदम से कही थी, हवा से नहीं कही थी। और वो स्त्री कंफ्यूज हो गई कि मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन हाँ मेरे पति ने मुझे बताया, मेरे पति ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा। और वो अकेली थी और गिर गई। जब भी आप अकेले होंगे आप गिर जाएंगे। जब भी आप अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचेंगे आप गिर जाएंगे। इससे बाइबल कहती है निरंतर संगति में बने रहो, निरंतर संगति में बने। लुका 10 में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आगे भेजा, कहा दो दो करके जाना, वो चाहता था एक एक व्यक्ति को भेज सकता था, तुम अकेले इस गांव में जाना, तुम अकेले उस गांव में जाना। पढ़ लीजिए लुका उसका 10 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़े। देखिए वचन के ऊपर, वचन को सीखिए। लुका उसका 10 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़िए। आ बिनाओ बण्या पछी प्रभुए બીજા 70 શિષ્યોને ઠરાવ્યા અને જે પ્રત્યેક શહેર તથા જગામાં એ પોતે જવાના હતા ત્યાં તેઓમાંના બ્રેડમેનને પોતાની આગળ મોકલ્યા। लिखा दो दो करके भेजा। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आप जवान हो, आपको आपके माता पिता, आपके पासवान, कलीसिया की संगति में रहना है। अगर आप कलीसिया से दूर जाएंगे, परमेश्वर के वचन से दूर जाएंगे, आप निश्चित मर जाएंगे। और ये मृत्यु दो तरह की होती है, एक शारीरिक मृत्यु और एक आपकी आत्मिक मृत्यु। आज हजारों लोग जो जेल में पड़े हैं, हजारों लोग जो संसार से चले गए, कितने लोगों को फांसियां हो गई, कितने लोगों को हत्या हो गई, ये सब संसार के अंदर जो पाप है कहां से आ गया, इतनी बुराइयां कहां से आ गई, क्या ये परमेश्वर की ओर से? नहीं, ये वो मनुष्य थे जो परमेश्वर से दूर थे और उन्होंने मृत्यु को चुन लिया। और वो ना केवल मरे लेकिन दूसरों को भी मारे। मैं चंगेज खान के बारे में अध्ययन कर रहा था। अगर आप चंगेज खान का जीवन देखें, वो संसार को जीतने के लिए निकला था। उसकी इच्छा थी कि वो संसार का राजा कहलाए, किंग ऑफ द होल वर्ल्ड, और उसने दो तिहाई पृथ्वी को जीत लिया, दो तिहाई पृथ्वी को जीत लिया और सबसे बड़ा राजा हो गया। बट टुडे वेयर ही इज, आज वो कहां है, आज उसका राज्य कहां है? आप जानते हैं उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, उसके पास दुनिया में सबसे बुद्धिमान लोग उसके साथ काम करते थे, सबसे ताकतवर। जिस राज्य, जिस देश में चंगेज खान जाता था वो हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाते थे। हजारों लाखों लोग उसके बंदी थे, दो तिहाई पृथ्वी पर उसका राज्य था। लेकिन आज उसका राज्य आपको नहीं दिखेगा, उसका एक भी शिष्य नहीं दिखेगा, एक भी सिपाही नहीं दिखेगा। आप जानते क्यों? क्योंकि वो राज्य असत्य, झूठ, हिंसा और तुष्टता के ऊपर था। वो चला गया 2000 साल पहले। एक साधारण मनुष्य संसार में आया, साधारण, ना उसके पास तलवार थी, ना उसके पास कोई दफ्तर था, ना उसके पास सिपाही थे, ना उसके पास कोई तोप थी। सड़कों पर, गलियों पर अकेला जाता, लोगों से मिलता, बातें करता। और आज 2000 साल बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले, विश्वास करने वाले अनुयायी उसकी, क्योंकि उसका राज्य सत्य पर आधारित है। आमीन।
और आप सनातन काल के लिए बनाए गए, आमीन, क्योंकि आपने सत्य को चुन लिया। यस आमीन। बाइबल कहती है यूहन्ना उसका 14:18 I will not leave you as orphans. Amen, मैं तुम्हें अकेला और अनाथ जब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अकेले और अनाथ हो तो हम और आप क्यों चाहें कि हम अकेले और अनाथ का जीवन जिए? हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति से, क्यों परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के लोगों की संगति से भागे? कई लोग कहते हैं मैं उस चर्च में नहीं जाता क्योंकि वहां प्रचार अच्छा नहीं होता, वहां गीत गाने वाले लोग अच्छे नहीं है, वहां म्यूजिक अच्छा नहीं बजता। प्रियो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कलीसिया परमेश्वर की है। आमीन। खुले पेड़ के नीचे, खुले आंगन में भी अगर हम परमेश्वर की आराधना करते, बाइबल कहती है जहां कहीं मेरे नाम से लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में। आमीन। आपको मैं सच बताता हूँ, मैं जयपुर शहर में जो मैं चर्च लेता था वो 5-स्टार होटल के अंदर चर्च चलता था और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से लोग सुनने के लिए आते थे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, परमेश्वर हमारी बिल्डिंग, हमारी इमारतें नहीं देखता। हम कितनी महंगी, कितनी सुंदर जगह पर, जहाँ कहीं पेड़ के नीचे, इस खुले आसमान के नीचे, जहाँ कहीं मेरे नाम से लोग इकट्ठा होंगे, और मैं आपको सच बताता हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मुझे उस 5-स्टार से ज्यादा इस खुले आंगन में परमेश्वर का प्रचार करने में आना है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वो आनंद है। Yes, amen. जहाँ वचन को सीखा जा रहा हो वहाँ परमेश्वर की महिमा है। बाइबल कहती है I will not leave you as orphans. अकेले मत रहिए। Yes, अकेले मत रहिए। आपकी जिंदगी में एक मित्र होना चाहिए जिसके साथ आप अपने मन को साझा कर सके। एक दोस्त बनाइए। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:15 में लिखा है मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा मित्र। एक मित्र ढूंढिए जिससे आप अपनी कठिन बातें बता सकते हो, आपके जीवन की संघर्ष आप उसके संग साझा कर सकते हो। और ये मित्र की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मित्र का साथ दे। ऐसा ना हो कि उसका मित्र उसे अपने संघर्ष बताए और वो जाकर घर 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 उसके संघर्ष सबको बता दे। वो अच्छा मित्र नहीं है, वो मित्र ही नहीं है। अच्छा मित्र तो थोड़ो, वो मित्र ही नहीं, वो आपका दुश्मन है। लेकिन हमारे पास एक अच्छा मित्र होना चाहिए जिसके साथ हम अपने जीवन की बातों को साझा कर सकें, चाहे वो पासवान हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपका कोई पड़ोसी हो। एक अच्छा मित्र बनिए। आप जानते हैं मैं अपने आज के संदेश को समाप्त करने से पहले, हम में से हर एक व्यक्ति एक अच्छा मित्र ढूंढता है। आप में से कितने लोग अच्छा मित्र ढूंढते हैं कि मेरा एक अच्छा मित्र हो? लेकिन कभी आपने सोचा कि मैं एक अच्छा मित्र बनूं? हम सब एक अच्छे मित्र की तलाश में है ना, कि हमें कोई अच्छा मित्र मिल नहीं रहा, कोई अच्छी संगति नहीं मिल रही, कोई अच्छा व्यक्ति मिल नहीं रहा, लेकिन हम अच्छा मित्र बनने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी के लिए अच्छा मित्र बन जाऊं? परमेश्वर आपको एक अच्छा मित्र बनाना चाहता है। एक अच्छा मित्र बनिए दूसरों के लिए। ढूंढ तो सभी रहे, बन कोई नहीं रहा है। एक अच्छा मित्र बनिए। एक अच्छा मित्र जिसकी संगति से उसका मित्र जो है वो आशीष पाए, जीवन पाए। आप जानते हैं परमेश्वर कितना महान है, इसका मैं एक उदाहरण देकर आपके लिए प्रार्थना करूं। एक गौरैया, एक चिड़िया, स्पैरो, छोटी सी स्पैरो, स्मॉल बर्ड, वो अपने घर से खाना लेने के लिए निकलती है अपने बच्चों के लिए, और लगभग 8-10 किलोमीटर तक वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने ढूंढने के लिए जाती है। उसका कोई भंडार नहीं है, उसका कोई बैंक नहीं है जहां से वो, या कोई शॉप नहीं है कि वो मैकडोनल्ड जाकर खाना खरीदे, या किसी दुकान में ढाबे पर जाकर अपने बच्चों के लिए खाना खरीदे, या वो बनाए। वो तो एक पक्षी है। वो सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए घोंसले से निकलती है और ढूंढती रहती है खाना उसे कहां मिलेगा, सड़क पर कहीं किसी ने फेंका हो रखा हो। 8-10 किलोमीटर की हद तक वो घूमती रहती है, और जब उसको खाना मिल जाता है, उसे खाना मिल जाता है, अब उसे अपने बच्चों के पास आना है। इस आसमान में कोई रास्ता नहीं है, और ना ही उसे कोई बताने वाला कि बहन तुम इस तरफ चली जाओ, तुम्हारा घर इधर है। कोई चिन्ह नहीं है,
कोई माइलस्टोन नहीं है। खुले आसमान में वो चिड़िया इधर उधर देखती है। आप जानते हैं उस चिड़िया को उसके बच्चों के पास कौन लेकर आता है? यहोवा परमेश्वर। अगर वो यहोवा परमेश्वर उन छोटे बच्चों की चिंता करता है जो अपने घर में बैठे हैं कि उसकी माँ उसके लिए भोजन लेकर आएगी, उसकी संगति से वो जीवन आगे बढ़ेगा, तो परमेश्वर मेरे और आपको कैसे छोड़ देगा? आमीन। वो हमारे जीवन में लगातार अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। आमीन। He is a God of all the time। आमीन। It's not just God of Sunday or 9 a.m. or 10 a.m. सातों दिन, 366 दिन। आमीन। बाइबल में 366 बार लिखा है मत्ती। आप कहेंगे 366 बार क्यों? क्योंकि 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिन की होती है, लीप ईयर जिसे कहते हैं। And God has counted even the leap year. परमेश्वर ने उस 29 फरवरी को भी गिनकर रखा है। और इस पवित्र शास्त्र बाइबल में 366 बार वो आपसे कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर। आमीन। उसकी उपस्थिति में बने रहे। Never leave His presence. अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई गुनाह होता है, माफी मांगे, झुक जाए, लेकिन उसकी संगति से दूर ना जाए। आप घुटनों पर आकर उस परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए, लेकिन उससे दूर मत भागिए। मैं अपने जीवन की एक घटना बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। एक बार हमारी कलीसिया में एक कपल था, एक परिवार था, जो लगातार 3 संडे से चर्च नहीं आ रहा था। हमें बड़ी चिंता हुई, हम उनसे मिलने के लिए गए। हमें पता चला इन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे से लगभग 3 हफ्ते से बात नहीं कर रहे, और उसका प्रभाव उनके आत्मिक जीवन पर पड़ रहा है, और वो अपनी किसी विशेष लड़ाई को लेकर अब चर्च नहीं आ रहे। अक्सर यही होता है। कई बार हमारे जीवन में कोई मनमुटाव पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बिजनेस में, हमारे खेल कूद में, या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात जो हमें निराश करती है, बस हम उस निराशा को लेकर बैठ जाते हैं और हम उसका सारा जो भरपाई है वो चर्च से, वचन से, प्रार्थना से निकालते हैं। अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। वो जो चेक बनाते हैं वो परमेश्वर के नाम का चेक बना देते हैं। लड़ाई पति पत्नी में हुई, लेकिन चेक बना दिया यीशु मसीह के नाम का, चेक बना दिया चर्च के नाम का, कलीसिया के नाम का। कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, कलीसिया की उपस्थिति, वचन की उपस्थिति, प्रार्थना की उपस्थिति से कभी मत जाइए। क्योंकि शैतान उसी समय आपको देख रहा है जब आप अकेले हो, निराश हो, दुखी हो। वो आपका संबंध परमेश्वर से और कमजोर करना चाहता है, ताकि आपको अपना अहेर बना ले, आपको अपना भोजन बना ले, आपको नष्ट कर दे। जब आप दुखी हो, निराश हो, अकेले हो, पाप में पड़े हो, वही सही समय है। उठिए और परमेश्वर के पास लौट जाइए। उड़ाव पुत्र ने कहा, अब मैं उठकर अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। I will go back to my father. No matter what I have done, मैंने क्या किया है, अब तक मैंने कितने पाप किए हैं, no matter what I have done, but now I will go to my father in his presence. क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही हमारे लिए जीवन है। आप जानते हैं परमेश्वर के एक दास प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने प्रचार के दौरान कहा, मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। ये बात सच्ची है, मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मनुष्य परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर भी मनुष्य के बगैर नहीं रहना चाहता। इसलिए वो आसमान से उतर आया, हमारे बीच में चला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गलियों में, सड़कों पर, बाजारों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चल चल कर, साथ चल कर, थैंक यू मारा बाप, उसने हमारा साथ दिया, और आज भी वो हमारे बीच पवित्र आत्मा के रूप में, और उसका वायदा है, इट इज हिज प्रॉमिस, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में, उसकी संगति को कभी ना भूलें। बाइबल कहती है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु महान परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और आज की शाम हम इस बात को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, मान लेते हैं कि आपकी संगति में ही हमारे लिए जीवन है।
आपसे दूर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते पिता। आपसे दूर जाने का मतलब मृत्यु है प्रभु, न केवल शारीरिक लेकिन मानसिक आर्थिक पारिवारिक सब बातें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Yes, Lord। प्रभु पुत्र ने कहा कि मैं अपने पिता से दूर जाऊंगा, अब मैं बलवान हूं, मेरे पास पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और वो अपने पिता की संगति से दूर चला गया। लेकिन बाइबल कहती है उसका बल समाप्त हो गया, उसका धन समाप्त हो गया, क्योंकि वो धन और वो बल उसके पिता की वजह से था। पिता वो स्रोत कट गया, फाउंडेशन कट गई। पिता परमेश्वर एक पेड़ अगर उसकी जड़ें काट दी जाएं तो वो निश्चित सूख जाए, चाहे वो फलदायी क्यों ना हो, लेकिन वो स्वयं सूख जाएगा। इससे प्रभु कई बार हमें लगता है सब ठीक है, सब अच्छा है, अब तो हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब तो हम सेटल हो गए, अब हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, मैं जो चाहता था वो हो गया। लेकिन प्रभु बाइबल कहती है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, आपसे दूर जाना अच्छा नहीं। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, या उपस्थित एक एक भाई, जवान बहन बेटियां, जवान बच्चे सदैव आपकी उपस्थिति में बने रहें,